तरह का हमारा फ़ोटो इसको एडिट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सिनेप्सीड एप्लीकेशन में, तो इस डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम टोन इमेज में जाएंगे। टोन इमेज में जाने के बाद जो भी हमारा कमी है इस फोटो में, हल्का सा ब्राइटनेस को कम बेसी करेंगे, कंट्रास्ट को हल्का सा कम कर लेंगे, और सैचुरेशन को हल्का सा और एम्बिनियंस को हल्का सा अधिक कर लेंगे। अपने हिसाब से जैसा हमारा फोटो रहेगा वैसा कर लेंगे, और हाईलाइट को हल्का सा कम कर लेंगे और शैडो को हल्का सा कम कर लेंगे। उसके बाद आपको इस डॉट पर क्लिक करना है और हल्का सा सेलेक्टिव टूल में आएंगे, अपने फेस को हल्का सा वाइट करेंगे। तो आप देख लीजिए कैसे हम वाइट कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही अपना फेस वाइट कर लीजिए। आपको कोई नहीं बताता है कि हम अपने फेस को ऐसा भी एडिट कर सकते हैं, तो आप वीडियो क्लास से देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। और चलिए यहाँ से हम शेयर करेंगे अपनी इमेज को लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो आपको बता देते हैं कि कैसे लाइटरूम एप्लीकेशन में अपने फ़ोटो को एडिट करेंगे। तो आप वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ोटो को कैसे एडिट किया जाता है। तो यहाँ से हम शेयर कर चुके हैं और यहाँ से लाइटरूम आएंगे, हम अपने इमेज को पोस्ट कर देंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। और यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन में पोस्ट करने के बाद देखिए इस लाइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा लेंगे या शैडो को बढ़ा लेंगे, जैसा अपना फोटो रहेगा वैसा कर लीजिए। और शैडो को हल्का सा बढ़ाए हैं और उसके बाद वाइट को हल्का सा कम बेसी कर लेंगे और ब्लैक्स को हल्का सा कम किए हैं। और इस डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ इस डॉट पर क्लिक करेंगे और मिक्स पर जाएंगे। मिक्स पर जाने के बाद और यहाँ से ग्रीन में आएंगे, ग्रीन पर हल्का सा ह्यू को हल्का सा माइनस कर लेंगे और सैचुरेशन को हल्का सा अधिक कर लेंगे। और सैचुरेशन को करने के बाद यहाँ पर ब्लू पर आएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, आपको समझ में आएगा आ जाएगा। देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं, अपने फेस को थोड़ा सा वाइट किए हैं। देखिए ऑरेंज पर आने के बाद अपने फेस को थोड़ा सा वाइट किए हैं, और वाइट करने के बाद वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अपने फोटो को एडिट किए हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आता, आप हमें कमेंट कीजिए, देखिए क्या क्या कर रहे हैं। वीडियो क्लास तो देखते रहिए और डन किए हैं। डन करने के बाद यहाँ से हम इस डॉट पर क्लिक करेंगे और टेक्सचर को हल्का सा अधिक कर लेंगे, और क्लैरिटी को हल्का सा अधिक कर लेंगे, और बिगनेट को हल्का सा माइनस किए हैं। उसके बाद जो भी है अब बढ़ा लिए हैं, और आप देखते रहे वीडियो क्लास तक, पता चल जाएगा कि फ़ोटो को कैसे एडिट किए हैं, किस किस एप्लीकेशन का यूज किए हैं, आप देख लीजिए। देखिए यहाँ शार्पनी को हल्का सा बढ़ा लिए हैं और यहाँ डॉट पर क्लिक करके शेयर किए हैं। और इससे पहले हम चलते हैं स्केच बुक में। अगर आपके पास स्केच बुक नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप अपने फेस को स्मूथ कर चुकेंगे। और यहाँ से स्मूथ करने के बाद देखिए हम आ गए हैं स्केच बुक में। आने के बाद यहाँ पर हम आएंगे, इस ब्रश को लेंगे, देख लीजिए ध्यान से, ये ब्रश है अपने फेस को स्मूथ करने के लिए। और सेटिंग देख लीजिए, सेटिंग क्या रहेगा। और सेटिंग रखने के बाद या तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और देखिए अपने फेस को हल्का हल्का अपने उंगली से हल्का हल्का अपने फेस को टच किए हैं। और उसके बाद वीडियो क्लास से देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी अगर आप किए हैं तो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा, और आपको पता चलेगा कैसे अपने फेस को स्मूथ किया जाता है। कोई नहीं बताता है कि इतना सीक्रेट, कोई नहीं बताता है कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, मगर हम आपको बता रहे हैं कि अपने फेस को कैसे स्मूथ किया जाता है। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो देखते रहिए वीडियो क्लास तक, पता चल जाएगा आपको कि देखिए यहाँ से हल्का हल्का हम किए हैं। और थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा फोटो एडिटिंग।
आप वीडियो क्लासेस देखते रहिए और लाइक भी कीजिए। और यहाँ से करने के बाद हम अपने इमेज को शेयर कर लेंगे पिकार्ट एप्लीकेशन में। अपने लिप्स को हल्का सा रेड करेंगे और अपने आँख में हल्का सा लेंस लगाएंगे। तो इस ब्यूटी पर क्लिक कीजिए और ब्यूटी पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कीजिए और देखिए थोड़ा सा हमारा हेयर ये ब्लू हो गया है, तो इसको हटा ले रहे हैं। और यहाँ से अपने लिप्स को यहाँ से देखिए, यहाँ से अपने लिप्स को हल्का सा रेड किए हैं। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, आपको पता चल जाएगा कि फ़ोटो कैसे एडिट किया जाता है। कुछ भी नहीं, बहुत आसान तरीका है। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए अपने लिप्स को रेड कर चुके हैं और रेड करने के बाद आपको बता देना है कि अपने आँख में लेंस कैसे लगाया जाता है। तो बहुत सारा यहाँ पर लेंस दिया गया है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि अपने आँख में कैसे लेंस लगाया जाता है। देखिए यहाँ से इस लेंस को हम क्लिक किए हैं और यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको बता देते हैं कि देखिए अपने हमारे आँख में लेंस लग चुका है। और यहाँ से डॉट पर क्लिक किए और थोड़ा हम इसमें एक PNG ऐड करेंगे। तो यहाँ पर फ़ोटो एड फोटो में क्लिक कीजिए। सभी PNG और सभी एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए अपने PNG का ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, तो इस डॉट क्लिक कीजिए और ब्लेंडिंग मोड स्किन कीजिए। और इसके आने वह हल्का सा नीचे किए हैं और अपने PNG को हल्का सा बड़ा कर लिए हैं। और बड़ा करने के बाद आपको इसका लाइट को सैचुरेशन को हल्का सा कम करेंगे। और सैचुरेशन को कम करने के बाद हल्का सा इस डॉट पर क्लिक कर लेंगे। इस डॉट पर देखिए हल्का सा, कुछ भी नहीं करें, बहुत आसान तरीका है। आप इसे अपने मोबाइल से एडिट कर लेंगे। और अगला वीडियो किस पर आएगा आप बताइए या कमेंट कीजिए। इस ड्रॉ टूल पर आने के बाद यहाँ से हम सेव कर लेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।